पेरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी एडस्प्रिंट प्लस एप्लीकेशन, जो आप सभी ने डाउनलोड कर ली होगी, अपने आईडी और पासवर्ड उसमें डाल के साइन इन कर लिया होगा। अगर आपको आईडी पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपने बच्चे के क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। लॉगिन करने के बाद 1 जून से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, उसके लिए आपको आपकी एप्लीकेशन पे जाना है, एडस्प्रिंट प्लस पे। एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा इस साल जिस क्लास में है वही क्लास यहाँ दिखाई दे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्सरी दिख रहा है, क्योंकि ये बच्चा नर्सरी में है। अगर आपका बच्चा 8th में है और फॉर एग्जांपल वो 6th या 7th में दिख रहा है, तो आपको चेंज ईयर करना है। ऑनलाइन क्लास जो 1 जून से शुरू होगी, वो आपको ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ टाइम टेबल पे जाना है। टाइम टेबल पे आप जैसे ही जाएंगे, आपको करंट डेट का, जैसे आज फ्राइडे है तो मुझे यहाँ पे फ्राइडे का लेक्चर दिख रहा है, आपको करंट डेट का स्कूल से जो भी टाइम टेबल सेट किया है वो टाइम टेबल दिखेगा। साथ में वीडियो कॉल का आइकन दिखेगा। आपको अपने बच्चे के पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1st पीरियड कंप्यूटर है, तो मैंने जैसे ही कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक गूगल मीट में आपका क्लासरूम ज्वाइन कर देगा, आप गूगल मीट का पार्ट हो जाओगे। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए, अभी देखिए आपने गूगल मीट किया है, वैसे ही आप ज्वाइन मीटिंग करेंगे तो आप गूगल मीट का पार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल मीट डाउनलोड करके रखना है। गूगल मीट में आपको स्कूल का, आपके बच्चे का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी और पासवर्ड क्लास टीचर्स ने दिया है, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका बच्चा ऑनलाइन सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, वो एब्सेंट रहता है, जिसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो 9 से 12 के टाइम में पढ़ाया जाएगा, वही सेम लेक्चर टीचर रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्डिंग 12 बजे के बाद अपलोड हो जाएगी एडस्प्रिंट एप्लीकेशन पे, ताकि आपका बच्चा कभी भी जो एब्सेंट है वो भी, और जो प्रेजेंट था उसको भी अगर वापस से लेक्चर अटेंड करना है, देखना है, तो वो लिंक पे क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो प्री रिकॉर्डेड जो अपलोडेड वीडियोज़ हैं वो कैसे देखने हैं।